फ्रेंड्स, पल्सर 135 में लोकल क्लच लीवर लगाने का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो मैंने महसूस किया वो ये है कि गियर्स पे बाइक का जो सेल्फ है वो काम नहीं करता। कई बार काम करता है और कई बार काम नहीं करता। तो ये मुझे फेस हुआ था ये प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से मेरी बाइक में जो है फ्यूज़ भी उड़ गया था इसका, जब मैंने इसका क्लच स्विच के वायर्स को छुआ था, क्लच स्विच को टच किया था, तो इसका मेन फ्यूज़ जो है वो उड़ गया था। तो मेरे पास स्पेयर फ्यूज़ था जो जिसको लगा के मैंने अपना काम चलाया और फिर ये क्लच लीवर मैंने इसका चेंज कर दिया। ये जो बाइक है इसमें दो तरीके के क्लच लीवर्स आते हैं ओरिजिनल में, क्योंकि इसमें न्यू क्लच स्विच जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी बजाज ने 2012 में। तो इसमें दो तरीके के आते हैं, एक का पार्ट नंबर के लास्ट में जो है वो 55 है और दूसरा जो क्लच लीवर है उसमें 83 होता है लास्ट में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आपकी बाइक जो है 2012 से पहले की है, पल्सर 135, तो आपकी बाइक में 55 बड़ा लगेगा। अगर आपकी बाइक में 2012 से लेकर 2016 की अगर पल्सर 135 है आपके पास तो उसमें 83 वाला लगता है। ठीक है भाई, जो क्लच ओरिजिनल ये जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया है ये उनो मिंडा कंपनी का होता है। ठीक है, अब मैं आपको पुराना वाला क्लच लीवर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारा डुप्लीकेट क्लच लीवर, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पे इस जगह पे ये देख रहे हैं आप, ये जो जगह है यहाँ पे क्लच स्विच का प्लंजर काम करता है, ये आगे पीछे होता है, तो उसी से हमारी क्लच स्विच काम करती है और सेल्फ स्टार्ट जो है वो गियर पे हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो दो तरीके के मैंने आपको बताए थे क्लच लीवर दो तरीके के आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक ये जो देखिए ये जो वाला जो क्लच लीवर है ये इस तरफ से तो बंद है, जहाँ पे ये जो क्लच स्विच का प्लंजर लगता है वो एक तरफ से देखिए बंद है और एक तरफ से ये देखिए ओपन है, खुला हुआ है। मैं करीब से इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है। तो ये 55 वाला जो क्लच लीवर होता है जिसमें लास्ट में 55 होता है, तो ये जो है एक तरफ से खुला होता है। ठीक है, और जो 83 वाला होता है जिसमें लास्ट में 83 होता है, ठीक है, वो दोनों तरफ से बंद होगा, तो उसमें बीच में ही प्लंजर रहेगा और वो आगे पीछे होता है, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डुप्लीकेट क्लच लीवर है इसमें कितने गंदे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी की वजह से जो प्लंजर है वो फंस जाता है और कई बार जो है बाइक गियर पे सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो ये लोग क्लच लीवर तो बिल्कुल सेम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन जो कंपनी की लेकिन इस चीज़ में जो है मात खा जाते हैं। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट क्लच लीवर आपको कभी नहीं यूज़ करना है। फ्रेंड्स, हमें क्लच लीवर कब रिप्लेस करना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्लच एडजस्टमेंट होता है जिसमें क्लच लीवर में हल्का सा गैप रखा जाता है, तो जब क्लच लीवर को ज़्यादा चला दिया जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से क्लच लीवर जो है घिस जाता है, जिसकी वजह से क्लच लीवर में आगे पीछे का प्ले आ जाता है और हम लोग जो हैं वो क्लच को उसी हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, लीवर के फ्री प्ले के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो लगातार इंगेज रहती हैं। ठीक है, जिससे क्लच प्लेट्स जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है क्लच लीवर की शाफ्ट है ये क्लच की, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है प्ले है हल्का हल्का, ये प्ले आपकी गाड़ी में भी होना चाहिए। तो क्लच लीवर की तरफ से अगर जब आप एडजस्ट करते हैं तो कई बार जो है क्लच लीवर जब ख़राब रहता है तो इस ये वाला जो प्ले होता है ये ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से क्लच हमारा लगातार इंगेज रहता है। तो हमेशा आपको क्लच जो एडजस्टमेंट है वो हमेशा इंजन की तरफ से ही करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।